वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नेल पॉलिश कलेक्शन। मेरे पास कौन कौन से ब्रांड की नेल पॉलिश है, उनके रेंज क्या है, शेड कौन कौन सी हैं, या फिर उनमें से कौन सी नेल पॉलिश है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, या किस ब्रांड की नेल पॉलिश कैसी है। आज की वीडियो में मैं यही सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि मेरा नेल पॉलिश कलेक्शन कैसा है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस फैमिली को ज्वाइन किया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं कुछ पॉइंट क्लियर कर दूं। आज के वीडियो में जितने भी नेल पॉलिश आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उनमें से सारी ही नेल पॉलिश मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ इनमें से कौन सी नेल पॉलिश कैसा वर्क करती है। तो मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इनमें से कोई भी नेल पॉलिश बाय करना चाहती हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकती हैं। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहली नेल पॉलिश है नायका से। इसका कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है और स्टेइंग पावर भी बहुत अच्छी है। 1 वीक तक ये आपके नेल्स पे इजीली स्टिक कर जाती है और 1 स्वाइप में ही आपको एग्जैक्ट कलर मिल जाता है। ये क्विक ड्राई है तो ड्राई होने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सभी नेल पॉलिश के प्राइस और शेड आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो मैं इनकी क्वालिटीज़ ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट नेल पॉलिश है NYB से। इसका कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जैक्ट कलर के लिए आपको 2 कोट अप्लाई करने होंगे। स्टेइंग पावर काफ़ी डिसेंट है, 1 कोट में उतनी अच्छी स्टे नहीं करती है, लेकिन डबल कोट में काफ़ी अच्छे टाइम के लिए स्टे कर जाती है। नेक्स्ट नेल पॉलिश भी NYB से है और इसका कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है। 1 स्वाइप में ही, 1 एप्लीकेटर में ही आपको एग्जैक्ट कलर मिल जाएगा। स्टेइंग पावर इसकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप 2nd कोट अप्लाई करती हैं तो ये ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आपके नेल्स पे स्टे करेगी। नेक्स्ट नेल पॉलिश भी NYB से है और इसका एग्जैक्ट कलर पाने के लिए आपको 2 कोट अप्लाई करने होंगे, क्योंकि कलर जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट है तो 1 कोट में उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। बाकी नेल पॉलिश बहुत अच्छी है। नेक्स्ट नेल पॉलिश भी NYB से है और ये है इनकी मैट कलेक्शन से। नेल पॉलिश का कलर बहुत अच्छा है और कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा है। 1 कोट में ही आपको एग्जैक्ट कलर मिल जाएगा। नेक्स्ट नेल पॉलिश है गाला ऑफ लंदन से और इसका कलर पे ऑफ उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड है, तो इसके कम से कम 3 से 4 कोट आपको अपने नेल्स पे अप्लाई करने होंगे। मैंने 1 कोट ही अप्लाई किया है क्योंकि मुझे सिर्फ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना था। नेक्स्ट नेल पॉलिश है L18 से। इसका कलर पे ऑफ भी सेम है, इसके भी आपको कम से कम 2 से 3 कोट अपने नेल्स पे अप्लाई करने होंगे, और गाला ऑफ लंदन हो या फिर L18 हो, इन्हें ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप इतने सारे लेयर्स अप्लाई करेंगे तो ड्राई होने के लिए ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। नेक्स्ट शेड है NYB से और यह है नियॉन पीच कलर। शेड बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 से 3 कोट आपको अप्लाई करने होंगे अपने नेल्स पे, तभी आपको एग्जैक्ट शेड मिलेगा। नेक्स्ट नेल पॉलिश भी NYB से है और यह है इनका नियॉन येलो, और इसके भी आपको 3 से 4 कोट अपने नेल्स पे अप्लाई करने होंगे, अदरवाइज इसका भी जो कलर है वो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट नेल पॉलिश है बेला वोस्टे से और इसका कलर पे ऑफ सिंगल में भी अच्छा है, बट एग्जैक्ट कलर पाने के लिए आपको 2 कोट अप्लाई करने होंगे, और जब आप डबल लेयर अप्लाई कर लेते हैं तो ये जल्दी ड्राई नहीं होता है, ड्राई होने के लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। नेक्स्ट शेड मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था और इसका प्राइस है 40 रुपीज़। इसमें कोई शेड नंबर या नेम मेंशन नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि ये कौन सा शेड है।
नेक्स्ट नेल पॉलिश भी मैंने लोकल मार्केट से ही बाई की थी, और इसमें जो शेड है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और इसका प्राइस आई थिंक 50 रुपीज़ था, और बहुत अच्छा सा रेड कलर है, तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बट स्टेइंग पावर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट नेल पॉलिश है बेला वोस्टे से, और इसका शेड काफ़ी अच्छा है ब्लैक, बट कलर पे ऑफ उतना अच्छा नहीं है, तो एग्जैक्ट कलर के लिए आपको 2 कोट अप्लाई करने होंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही शेयर कर दिया है कि ये नेल पॉलिश ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, सिंगल कोट तो जल्दी ड्राई हो जाता है, बट डबल कोट जल्दी ड्राई नहीं होता है। नेक्स्ट नेल पॉलिश है NYB से, और ये है इनका मैट कलेक्शन, बहुत अच्छी नेल पॉलिश है, एक कोट में ही आपको एग्जैक्ट कलर मिल जाएगा और ड्राई भी बहुत जल्दी होती है। बट ये नेल पॉलिश पैरों में ज़्यादा अच्छी लगती है हाथ के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने हाथ और पैर दोनों में अप्लाई किया है, तो मुझे ये पैर में ज़्यादा अच्छा लगता है ये शेड। नेक्स्ट नेल पॉलिश है बेला वोस्टे से, और इसका शेड बहुत अच्छा है, सिंगल कोट तो बहुत फटाफट ड्राई हो जाता है, बट डबल कोट में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और स्टेइंग पावर की अगर मैं बात करूँ, स्टेइंग पावर काफ़ी अच्छी है, 3 से 4 दिन तक आपके नेल्स पे इजीली स्टे कर जाएगा इसका सिंगल कोट भी। नेक्स्ट नेल पॉलिश है एलेटीन से, और इसका कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है, सिंगल कोट में भी आपको एग्जैक्ट कलर मिल जाएगा, बट कहीं कहीं से आपके नेल्स जो हैं वो सी थ्रू हो सकते हैं, इसलिए आपको डबल कोट अप्लाई करना पड़ सकता है। और स्टेइंग पावर भी बहुत अच्छी है, आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकती हैं। लास्ट शेड है रेवलॉन से, और इसका मैंने नेल स्वाच आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैं इसे बहुत बार वियर कर चुकी हूँ, और ये परफेक्ट रेड कलर है। तो ये था मेरा छोटा सा नेल पॉलिश कलेक्शन, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे ऐसे शेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो कि आप हर सीजन में इन्हें वियर कर सको, हर टाइम पे आप इन्हें वियर कर सको, चाहे एवरीडे की बात हो या पार्टी फंक्शन की बात हो या शादी वेडिंग की बात हो, तो मुझे ऐसे नेल पॉलिश के जो शेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए आपको सारे शेड कुछ ऐसे ही देखने को मिले हैं। आपका फेवरेट शेड कौन सा है इस कलेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो आपने एंजॉय किया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो इसे शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस फैमिली को ज्वाइन किया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। Bye.